इस टॉपिक के अंदर हम मैच प्रॉपर्टी कमांड जैसा टाइटल हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है आल दो हम आ, अगर आपको याद हो तो हम दो, दो जगह पे ये कमांड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हमने टेबल की जब फॉर्मेशन की थी वहाँ पे भी ये कमांड मौजूद थी और आपको याद होगा कि हमने कुछ सेल्स को अगर आप वापस उस टॉपिक में चले जाएं तो आप नोट करें कि एक सेल के अंदर हमने कलर कर लिया था उसका बॉर्डर चेंज किया था और हमने कहा था कि अगर अब हमें असाइनमेंट या टास्क मिलता है कि हमने सेम इसी कलर को इसी बॉर्डर को बाकी सेल्स के अंदर भी लेकर जाना है तो किस तरह हम मैच प्रॉपर्टी की कमांड इस्तेमाल करते हैं फिर अगर आपको याद हो टेक्स्ट के अंदर जब मल्टाइलाइन टेक्स्ट हम लिख रहे थे वहाँ पे भी हमारे पास मैच कमांड की ऑप्शन मौजूद थी कि अगर हमने एक टेक्स्ट उसका साइज़ कुछ भी कर लिया है उसका फॉन्ट साइज उसका कलर और हम चाह रहे हैं उसके नीचे कोई और लाइंस लिखी हुई हैं उन लाइंस में वो टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाए या वो वो प्रॉपर्टीज़ वही हो जाएँ वो उसका कलर वही हो जाए वहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया आज हम इस टॉपिक के अंदर हम मजीद क्विकली जो है वो देखते हैं कि इस कमांड को हम और किस किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं पर्पज़ जो इस कमांड को इस्तेमाल करने का है वो हमारा टाइम सेविंग है वन ऑफ दी एडवांटेज बार बार हम बात कर रहे हैं कैड का कि हम कहते हैं कि इसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है आ, हमारी छोटी सी इनपुट से आउटपुट बढ़ जाती है तो ये जो हमारी कमांड है मैच प्रॉपर्टी कमांड एक्चुअली ये करेगी ये कि ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देगी टाइम सेव हो जाएगा आज हम इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह अगर हमने लाइन हमने एक लाइन लगाई हुई है ऑफ सर्टन थिकनेस उसकी कुछ भी थिकनेस है उसका कलर है और हमारे पास कुछ और लाइंस मौजूद हैं अगर हमने उन लाइंस में ये कमांड अप्लाई करनी हो तो कैसे कर सकते हैं फिर हम देखेंगे जिस बहुत ज़्यादा यूज़ जहाँ पे इसका होता है हैच और ग्रेडियंट के अंदर कि हमारे पास अगर एक हैच और ग्रेडियंट ऑलरेडी हुआ हुआ है और हम चाह रहे हैं कि हम इस हैच और ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी सेल्स में अप्लाई कर दें ये वाला कलर किसी और सेल में कर दें उसको भी देखते हैं हम इसी के साथ एसोसिएटेड मैच प्रॉपर्टी से जितनी भी रिलेटेड ऑप्शन होंगे वो हम अभी बढ़ते हैं कैड की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं अब हम जा रहे हैं मैच प्रॉपर्टी कमांड को इस्तेमाल करने इसकी हमने थियोरेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टॉपिक के स्टार्ट में देख लिया है अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमने कोई लाइन लगाई हो तो इससे पहले मैं लेयर्स एक दो हम नई बना लेते हैं ये दो लेयर्स हमारे पास ये जीरो लेयर बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम देखा था बनी हुई है इसके साथ हम कोई एक दो लेयर खुद से बना लेते हैं और इसका हम नाम लेयर uh, इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल टू और नीचे वाली लेयर जो है इसको हम लिख लेते हैं लाइन थ्री अब हम इस कमांड को क्विकली अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह हमने अगर कुछ चीज़ें और आपको पिछले टॉपिक में ही हमने देखा था कि जब हमने कोई लेयर करंट लेयर बनानी हो तो ये हमारे पास यहाँ से भी बना सकते हैं यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं तो अगर हम ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सेट करंट तो लाइन थ्री हमारी जो है वो करंट लेयर बन गई है लाइन थ्री में अगर आप देखें तो हम इस वक्त कोई काम कर लेते हैं और मैंने लाइन थ्री के अंदर एक जो है वो एक लाइन ड्रा कर ली है अब मैं वापस अपनी लेयर हम जो है वो प्रॉपर्टी मैनेजर में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास हमने एक और जो है वो लेयर जो बनाई लाइन टू उसको अभी हम करंट लेयर कर लेते हैं उसकी हम लाइन थिकनेस जरा बढ़ा लेते हैं सपोज़ यहाँ से लाइन थिकनेस मैं इसकी फोटी कर देता हूँ और इसका कलर भी हम कुछ आ, चेंज कर देते हैं से हमने जो कोई कलर भी किया और इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं अब हम लाइन टू जो है वो ड्रा करने की ट्राई करते हैं तो अब मैं लाइन टू अगर यहाँ पे ड्रा करता हूँ अब वो उसने कलर तो मेरा पिक कर लिया है लाइन टू में बट जो थिकनेस मैं चाह रहा था वो मेरी नज़र नहीं आ रही अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को जब आप ये फेस कर रहे होते हैं और अक्सर आपको लगता है तो जब भी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें लाइन थिकनेस हम जो चाह रहे हैं वो ना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर नीचे जहाँ पे हमारे पास हमारे प्रिसियन ड्राइंग टूल्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारे पास अर्थ हो ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारी होती है शो एंड हाइड लाइन वेट अब बज दफ़ा यहाँ पे उसकी जो आईकॉन है वो कुछ लाइंस लगी होती हैं अगर आप नोट करें मैं यहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ बट वो ऑप्शन यहाँ पे अभी कहीं नज़र नहीं आ रही अगर जब भी वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो तो ये हम जो लाइंस हमें नज़र आ रही हैं जैसे हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कस्टमाइजेशन में किया था यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये हमारे पास लाइन वेट की ऑप्शन मौजूद है बट राइट नाउ ये ऑप्शन ऑफ है ये चेक इन नहीं है हम इसे चेक इन करते हैं जैसे ही हमने चेक इन किया ये हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है ये है आईकॉन अगर आपने कभी भी लाइन वेट चेंज कर दिया हो लेकिन वो स्क्रीन पे शो ना हो रहा हो अब जैसे ही मैंने इस लाइन वेट को चेंज किया आप नोट करें तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जो मैंने लाइन लगाई है उसकी वेड वही हो गई है जो मैं चाह रहा था तो ये आप अगेन नोट कर लें ये हमारे पास ऑप्शन कस्टमाइजेशन में से अगर कोई कमांड्स किसी भी वक्त ऑफ हों तो आप इनको ऑन कर सकते हैं अब हमने दो लेयर्स यहाँ पे बनाई हैं लेयर का कॉन्सेप्ट भी हम जान चुके हैं एक लेयर के अंदर हमारे पास एक लाइन है जिसकी हमने डिफॉल्ट थिकनेस ट्वेंट पॉइंट टू फाइव जो हमारे एम mm है एक की थिकनेस भी हमने चेंज कर दिया है और कलर भी हमने चेंज कर दिया अब हो सकता है कि आपके पास जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और कुछ ऐसी लाइंस हैं आप चाह रहे हैं कि ये मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन है मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में खुद ब खुद कॉपी हो जाए मुझे बार बार करने की जरूरत ना पड़े एक ऑप्शन तो है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं आप वन बाई वन सेलेक्ट करते जाएँ लाइन को और ख़ुद से जाके मैनुअल करें दूसरी हमारे पास ऑप्शन है मैच प्रॉपर्टी की वो ऑप्शन अभी हम यहाँ परफॉर्म करते हैं तो ये अगर आप आइकॉन देखें तो ये आइकॉन आप ऑलरेडी इस तरह का देख भी चुके हैं टेबल के अंदर ये है मैच प्रॉपर्टीज और अगर आप मैसेज पढ़ें तो मैच प्रॉपर्टी अप्लाइज दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स अब इस कमांड को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दो मैसेज ये यह यहाँ पे अब भी हमें जो है वो देगा पहला मैसेज होगा कि आप सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चाह रहे हैं कि बाकी ऑब्जेक्ट्स में चले जाएं फर्ज से मैं चाहता हूं कि ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है मैं चाहता हूं ये वाला कलर और ये वाली थिकनेस इस लाइन पे अप्लाई हो मैंने इसे सिलेक्ट किया अब दूसरा मैसेज साथ ही आ रहा है सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट कि आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो मेरा ये ऑब्जेक्ट है जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई किया अगर आप अब नोट करें तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसका कलर वही हो गया है जो मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का था तो इस तरह अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे और आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसी लाइंस हैं जिनको आप चेंज करना चाह रहे थे मैनुअली बहुत सारा टाइम ये आपका लेता बट इस कमांड के साथ उसने हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है तो इस तरह अगर लाइन के ऊपर हमने कभी भी वर्क करना हो लाइन के ऊपर मैच प्रॉपर्टी तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं अब अगर हम इसको यहाँ से फ़िलहाल से डिलीट की आ, कर देते हैं लाइंस को और अब हम देखते हैं कि हैच एंड ग्रेडियंट के अंदर भी इस कमांड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बाजुकात जब हम आ, कोई दीवार हैच करेंगे आगे जाके प्रोजेक्ट के अंदर या आप कोई वर्क कर रहे हैं किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर या कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एक कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टेंगल ड्रा की और ये भी मेरे पास रेक्टेंगल और फिलहाल मैं लाइन वेट को यहाँ से अगेन जैसे ही मैं इसे ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ अगर मैं ऑफ़ कर रहा हूँ लाइन वेट को तो वो स्क्रीन से डिसअपियर हो गया बट प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो उसका लाइन वेट उतना ही होगा अब हम इसको हैच या ग्रेडियंट करते हैं हैच के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है एच एंटर या ए लर्न कर चुके हैं और हम ग्रेडियंट करके देखते हैं से हम इसको टू कलर के अंदर सेम कलर्स कर देते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये मेरा कलर जो है वो ऑब्जेक्ट का कोई भी हो गया इसको भी मैं कोई नया कलर कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको अप्लाई करते हैं से ये हमारे पास जो है वो मैं इसका कलर रेड पिक करता हूँ क्योंकि पहले हमने ब्लू किया है और सेकंड भी कलर हम सेम कर लेते हैं ताकि हमारे अब ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक का कलर जो है वो रेड आप कह सकते हैं या रेड का थोड़ा सा लाइट रेड है और एक मेरा ब्लू है अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ब्लू ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपर्टीज़ इन सार इसमें भी चली जाए यानी इसका कलर और ये सारी चीज़ें सेम हो जाएँ तो हम यहाँ पे भी वही कमांड अप्लाई करके देखते हैं ये हमारे पास मैच प्रॉपर्टी की कमांड है अब हमने सेम सेलेक्ट किया वो आपको कहेगा कि आप सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें सेलेक्ट हो गया सेम मैसेज आ रहा है अब आप डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें आपने वो सेलेक्ट किया जैसे ही मैंने डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर आप नोट करें तो कलर जो है वो अब और जितने भी अब आपके डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट हैं आप वन बाय वन क्लिक्स करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इनके अंदर से चेंज कर सकते हैं तो इस तरह आपने अगर हैच अब ये ग्रेडियंट था सिमिलर सेम इज़ द केस विद हैच अब अगर आप हैच में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दो रेक्टेंगल्स अभी क्विकली ड्रा कर लें और उनमें एक में कोई और हैच कर लें एक में किसी और कलर का और आप सेम कमांड अप्लाई करेंगे लाइक like ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास हैच हुआ है अब ये ये यहाँ तक अगर आए लाइंस और अब अगर आप यहाँ पे कोई और हैच कर लें यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे या आपने खुद आप, होम असाइनमेंट समझ लें आपने करना है इसे कंप्लीट तो अब आप सेकंड अगर यहाँ पे आप हैच करें तो आप जै जो हैच आप अप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आप एज अ सोर्स लेंगे और पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपका डेस्टिनेशन बन जाएगा तो इस तरह आप जो है वो ग्रेडियंट और हैच के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट और टेबल के ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो आप नोट कर चुके हैं कि किस तरह टेक्स्ट और टेबल के ऊपर हम इनको इसको अप्लाई करते हैं वो कमांड हमने मैच प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट देखने के बाद क्विकली अप्लाई किया स्क्रीन के ऊपर और इजीली हमने देखा कि किस तरह हमने एक लाइन अगर ड्रा की है और उस लाइन को हम कहीं पे भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी और ऑब्जेक्ट की हो जाएँ उसको कैसे करते हैं हैच और ग्रेडियंट को हमने देखा साथ हमने देखा कि आप ट्रांसपेरेंसी जो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल लेक्चर किया हुआ है अगर आप वहाँ जाएँ और आप दो ऑब्जेक्ट बना के बैठे हैं एक की ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट है दूसरे की कुछ और है और आप चाहते हैं कि ये वाली ट्रांसपेरेंसी उसमें कॉपी पेस्ट हो जाए तो आप उसको भी कर सकते हैं टेबल और टेक्स्ट को हमने यहाँ परफॉर्म नहीं किया अगर आप अपने प्रीवियस टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमने इन दोनों टेबल के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया था और हमने इसको टेक्स्ट कमांड में भी अप्लाई किया था आई होप कि इस कमांड के साथ हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारे प्रोजेक्ट की हमारे काम की पेस और बढ़ेगी